हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे, एवोल्यूशन ब्लॉग पे। नए हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और आज मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ बाहर में, इसलिए कि थोड़ा इसके में थोड़ा रीजन है, प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर बहुत मौसम ख़राब है। आप लोगों को अभी मौसम दिखाऊँ कितना ख़राब है। बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है और बादल गरज रहे हैं, और दिन में पूरा मौसम ख़राब था। इस वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया पूरा दिन, और मैं पूरा दिन रूम पे ही रहा। और आज जुमा था, सिर्फ नमाज पढ़ने के वक्त मैं गया था बाहर, उसके बाद से मैं तब से रूम में ही हूँ और बाहर नहीं निकला हूँ। इतना मौसम ख़राब है, मैं सोच रहा हूँ कब से ब्लॉग में। बहुत मुश्किल है दोस्तों, तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और मेरा आज क्या बोलते हैं, हर हफ्ते में मतलब एक महीने में एक बार ही आता है मेरा सफाई का, कॉरिडोर और किचन का सफाई करने का आता है, तो आज मेरा बारी है। इसकी वजह से वो मुझे सफाई करना पड़ेगा। मैं कब से सोच रहा हूँ करूँ अभी कि नहीं करूँ, बहुत मुश्किल होता है ये सब सफाई करना। सो गाइस, आज मौसम बहुत ख़राब है सच में। मैं अभी गाड़ी के अंदर हूँ, मतलब रूम से बिल्डिंग से बाहर आज गया हूँ और गाड़ी के अंदर आके बैठा हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी अपने बस के अंदर में हूँ। आप लोगों को क्या बोलते हैं, ये बस वो बस है जो हम लोग कंपनी जाते थे, डेली आना जाना लगता था, वही बस में मैं बैठा हूँ। और यहाँ इसके अंदर बहुत अच्छा है सीरीज, क्योंकि सारी कांचें बंद है और बाहर बारिश हो रही है और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। इसकी वजह से मैं बाहर ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि लाइट चारों तरफ है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आएगा। शायद आप लोगों को आवाज़ मेरा भी अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा क्लियर आएगा। और कल के ब्लॉग में मेरा आवाज़ उतना खास नहीं होगा, क्योंकि बहुत हवा चल रही थी, इसकी वजह से आवाज़ हवा में चली जा रही थी, तो कुछ खास सुनाई नहीं दिया होगा, तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं बताया जैसे कि आज मेरा सफाई का बारी है, तो अभी आधे घंटे के बाद मैं सफाई करूँगा, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही है। इसकी वजह से मौसम बहुत ख़राब है ना, इसकी वजह से ठंड लग रही है यहाँ पर। और क्या बोलते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मौसम सच में बहुत ख़राब है, तो चलिए हम आप लोगों को अपना बाहर का मौसम दिखाते हैं कितना ख़राब है अभी। चलिए मौसम दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हो कि अभी बारिश हो रहा है। आप लोग ज़मीन पे देखिए, बारिश हो रहा है और दिखाई तो नहीं दे रहा है मोबाइल के अंदर, क्योंकि बारिश ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हवा बह रही है। देखिए आप लोगों को स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा बारिश, और नीचे भी देख सकते हैं बारिश हो रहा है काफ़ी। और अभी मैं पानी में गाड़ी के बाहर में हूँ, आप लोगों को दिखा देख सकते हो। अभी मैं गाड़ी के बाहर में हूँ और बारिश यहाँ पर हो रही है, और मुझे ज़ोर ज़ोर से बारिश लग रही है, तो मैं फिर से वापस जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरा फिर से कल से ड्यूटी सेम जैसा हो गया 12 घंटा, कि पहले मैंने आप लोगों को वीडियो ब्लॉग में बताया भी था कि पहले 3 घंटा ओवर टाइम था और 8 घंटे का प्रेजेंट, तो मिला के 11 घंटे हुआ। लेकिन अभी टोटल 12 घंटा हो गया। मेरा सुपरवाइजर का मैसेज भी आया था कि अब तुम्हारा सैटरडे से स्टार्ट हो गया, 12 घंटे तक का ओवर टाइम चलेगा। और उसके बाद पहले 3 घंटे का ओवर टाइम था, तो अभी 4 घंटे का हो गया। तो अभी मैं लेट से आऊँगा और ब्लॉग कंपनी के अंदर ही मिलेगा, मशीनों के और फिर जो वेल्डिंग करता हूँ उसी का ब्लॉग मिलेगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि कल मैंने ओवर टाइम नहीं किया था, इसके वजह से मैंने आप लोगों को बताया तो था कि ड्राइवर चला गया इटली वालों लोगों को छोड़ने के लिए रियाद ऑफिस एयरपोर्ट, इसके वजह से मैं कल ओवर टाइम नहीं किया था। हालांकि अगर मैं करता तो 3 घंटा कल का भी होता, लेकिन नहीं किया, तो मैं आ गया रूम पे, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखा दिया बाहर के बना के बताया दिखाया। और आज का ब्लॉग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और क्या बोलते हैं, इधर रेगिस्तान एरिया है ना, सहरा है, इधर पूरा सुनसान इलाका है बाहर की तरफ पूरा, इसके वजह से इधर धूल मिट्टी बहुत उड़ता है, दिन में बहुत उड़ता है, इसके वजह से मैं नहीं बना पाया। और कल शाम को भी मौसम कुछ हालात ठीक थे, इसके वजह से मैंने बनाया था, लेकिन आज उससे बहुत बदतर है हालात, इसके वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ ब्लॉग बाहर जाके, गाड़ी के अंदर ही बनाना पड़ रहा है। तो अब क्या बोलते हैं, मेरा ओवर टाइम के बारे में बात करते हैं। तो मैं कल से कंपनी के अंदर ही ब्लॉग बनाऊंगा और कंपनी के मशीनों के बारे में बताऊंगा, और क्या कौन सी मशीनें क्या करती है सब बताऊंगा, और वेल्डिंग करके ही दिखाऊंगा, लेजर वेल्डिंग। तो इसके लिए सॉरी। हाँ, अगर हाँ फिर से हर जुमे के दिन मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँगा बाहर के लिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, अब्दुल सनम ब्लॉग को। और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के अलावा आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये आप लोग भी जानते हो। बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होता है, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों का प्यार और सहायता नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बोलते हैं, अभी लगता है बारिश कम हो गया है, तो अभी मैं बाहर जाने वाला हूँ
और बाहर जाके बाहर का नज़ारा मैं अच्छे से दिखाऊंगा आप लोगों का। तो चलिए हम गाड़ी से अंदर बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर इसके अंदर थोड़ा मच्छर हो गया, लो मच्छर काट रहे लो मुझे, तो मैं बाहर चलता हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस मैं बाहर आ गया हूँ, आप लोग देख सकते हो बाहर मैं हूँ फिर से। अभी अभी बारिश एकदम से छम थम गई है, एकदम से एक बूंद भी नहीं आ रही है, इसके वजह से मैं बना पा रहा हूँ। और ये मेरा बिल्डिंग है, आप लोग पता नहीं पीछे से दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन अभी भी बारिश फिर से आना चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद आ रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ रूम के अंदर, क्योंकि बाहर जाऊँगा तो मैं भीग जाऊँगा, शायद बाहर गया तो बारिश आना ज़्यादा चालू हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, मेरे पास पता नहीं गेट का चाबी है कि नहीं। हाँ फाइनली मेरे पास मेरे गेट का चाबी है कि नहीं, है मेरे पास, अच्छी बात है। नहीं तो नहीं होता तो फिर डबान डब 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 मारना पड़ता है इसके ऊपर, और फिर कोई आता तो खोलता, वो भी आता है लोग, गाली भी देता है लोग, चाबी क्यों नहीं लेकर रखा है। इसके वजह से मैं खोल रहा हूँ, आपको देख सकते हो, और ये खुल गया। अब मैं जा रहा हूँ रूम रूम के अंदर, और उसके बाद हम आप लोग देखते हैं, दिखाता हूँ क्या क्या बना। देख सकते हो मैं अभी जा रहा हूँ रूम के अंदर, ये सीढ़ी है, और ये कोरोना के टाइम ये सब स्टिकर लगाया गया था, आप लोगों को याद ही होगा कोरोना कितना मुश्किल हुआ था, जीना मुश्किल हो गया था, सब कोई उम्मीद नहीं छोड़ दिया था, हमें भी कोरोना हो गया था। तो गाइस फाइनली हम अपने बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने रूम के अंदर, आप लोग देख सकते हो, और यहाँ का देख सकते हो कॉरिडोर। एक बार हमें आप लोगों को इसका वीडियो बना के दिखाया था, वो बारिश की वजह से भूकंप की वजह से पूरा मार्बल निकल गया था, इसके वजह से ये ऐसे पड़ा हुआ है और ये आज तक तक पड़ा नहीं। तो मैं जा रहा हूँ रूम के अंदर, मेरे रूम के अंदर देख सकते हो, मेरे रूम के स्टिकर मारा हुआ है मेरे नाम का, और मैं आ गया अभी रूम के अंदर। मैं आप लोग अपने रूम का नज़ारा दिखाता हूँ, चाहिए ये रहा मेरा रूम का नज़ारा, और वो आप लोग देख सकते हो फ्रिज के ऊपर जो रखा हुआ है एक, वो मैंने ख़रीदा है कोरिया का ब्लैंकेट है, बहुत अच्छा है वो, कम से कम 6,000 रुपये का इंडिया का है, कोरिया कंपनी का है, मेड इन कोरिया है वो, और काफ़ी अच्छा होता है, पूरा सेट है वो डबल बेड का। और ये फ्रिज है, वहाँ पे कुछ कॉफ़ी बनाने के लिए मशीन वगैरह रखी हुई है, और एक मेरे साथ में मेरा दूसरा बंदा रहता है, और यहाँ पर मैं रहता हूँ, और मैं यहाँ पर रहता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये मेरा बेड है, इधर कंबल है, और मैं इस साइड में सोता हूँ, इधर इधर तकिया है मेरा, और इधर मेरा वो सब रहता है चार्जिंग ब्लूटूथ एयरबड्स वगैरह वगैरह, इधर भी एक स्पीकर है, और लॉकर के अंदर मैं अपना क्या बोलते हैं वो सब रखता हूँ, सामान वगैरह कुछ जो भी खरीद करता हूँ वो सब रखता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बाय बाय।